तो बच्चों अब हम चलते हैं सत्र के भाग दो पर। तो सत्र के भाग दो पर हम ये जानेंगे कि समय का प्रभावी उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सभी के पास 24 घंटे हैं, इससे ज्यादा समय किसी के पास नहीं है, तो इस समय को हम किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। छात्र जीवन में ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो उनका ध्यान भटकाती हैं। ये गतिविधियां शैक्षिक यानी कि एकेडमिक होती हैं, व्यक्तिगत यानी पर्सनल होती हैं और सामाजिक यानी सोशल भी हो सकती हैं। इस उम्र में दोस्तों का भी बहुत प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, जिसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं। तो यदि आपको कभी भी समय की कमी महसूस होती है तो स्वयं से पूछें कि इस वक्त मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मेरी प्राथमिकताएं क्या हैं। जब आप इस तरीके का प्रश्न अपने आप से पूछेंगे तो आप जानेंगे कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो वर्तमान समय परीक्षा का समय है और सभी विद्यार्थियों की प्राथमिकता उनकी पढ़ाई एवं उनके एग्जाम की तैयारी यानी प्रिपरेशन होने चाहिए। तो आपके दिमाग में अनेक प्रकार के विचार आते जाते हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो अपने विचारों को एक दिशा प्रदान करें और अपने दिमाग को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस तरह से आप काफी सारा समय अपने लिए निकाल पाएंगे। कई बच्चों में यह आदत देखी जाती है कि वह हर काम को कल पर डाल देते हैं। जैसे ही उन्हें कुछ कहा जाता है काम के लिए तो वह तुरंत बोल देते हैं कि थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, आज मन नहीं है, अभी तो परीक्षा में बहुत समय बचा है, इतनी जल्दी क्या है, आज तो मुझे बहुत नींद आ रही है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ऐसे कई सारे बहाने होते हैं जो उन बच्चों के पास होते हैं। तो ये जो टाल मटोल की प्रवृत्ति है इससे हमें बचना चाहिए। कार्य को कल पर टालना जो है, ये जो आदत है, ये तनाव यानी स्ट्रेस को बढ़ाता है और कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। क्योंकि भले ही आपने अपने कार्य को कल पर टाल दिया हो, लेकिन वो कार्य आपको करना है, पढ़ाई आपको करनी है, इसका प्रेशर आपके दिमाग में 24 घंटे बना रहता है और फलस्वरूप आपको तनाव महसूस होता है। एक बात और मैं कहना आपसे चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो होता है कहीं और होता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार पढ़ते समय जाने अनजाने बहुत सारा समय जो है हम अनावश्यक कामों में, बातों में व्यर्थ करते हैं, जो हमारे परीक्षा परिणाम एवं आत्मविश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ते वक्त ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना होता है। जैसे कि अगर हो सके तो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को बंद रखें और पढ़ते समय इंटरनेट को भी ब्लॉक कर दें। देखिए, ये भी मैं नहीं कहूंगी कि इंटरनेट को पूरी तरीके से अवॉइड किया जाए, क्योंकि आज का जो दिन है, आज जो समय है, बच्चे मोबाइल से इंटरनेट से ही पढ़ रहे हैं, तो हम इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट से ही आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के जो नोटिफिकेशंस हैं, जो पॉपअप साउंड्स आते हैं जो कि आपका ध्यान भंग करते हैं, उन्हें अगर हम बंद कर देंगे तो ऐसी स्थिति में भी हमारा समय जो है वो बर्बाद होने से बच जाएगा। कई बार क्या होता है कि पढ़ाई का हम एक नियम बनाते हैं और नियम हर बच्चा बनाता है, लेकिन कई बार वो पढ़ाई के नियम को बना के उस पे रह नहीं पाते और नियम उनका टूट जाता है। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिदिन पढ़ाई का नियम बनाएं, प्लान करें, एक दैनिक योजना बनाएं, अपना लक्ष्य का निर्धारण करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल यानी आपका लक्ष्य क्या है। तो जब आपको पता होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, आप उसके आधार पर अपना एक नियम बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे और योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करेंगे। जहां तक संभव हो पढ़ने के लिए अगर आप निश्चित एक स्थान बना लेंगे तो ऐसा करने से आप थोड़ा व्यवस्थित भी महसूस करेंगे, क्योंकि उस जगह पर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीजें, कोई किताबें हैं, आपकी नोटबुक्स हैं, आपके पेन पेंसिल या फिर आपके कैलकुलेटर्स या जो भी चीजें जो आपको पढ़ाई के वक्त जरूरी लगती हैं, वो सब आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में एक अलग स्थान पढ़ाई के लिए ना हो,
तो इसमें भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। उस घर का कोई भी कोना जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ बैठकर आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आपके घर के बाहर बरामदे में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। जहाँ आपको लगे एक निश्चित स्थान बनाएंगे तो आपको पढ़ना अच्छा लगेगा। कठिन विषय जो होते हैं वो हमको हमेशा ही डराते हैं, इसलिए यथासंभव जब भी आप पढ़ने की शुरुआत करें तो पढ़ाई जो है वो कठिन विषय से ही शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे कठिन विषय आपको समझ में आते जाएंगे, और एक बार जब कठिन विषय आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी के विषय जो हैं क्योंकि वो आपको आसान लगते थे तो अब आपको और आसान लगने लगेंगे और आपका आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ जाएगा। और एक बात जो बच्चों आपको ध्यान देनी होगी वो है नियमित अभ्यास करने। कई बार देखा जाता है कि बच्चा पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन रिवीजन नहीं करता। आपको ये ध्यान देना होगा कि जब हम रिवाइज करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो विषय वस्तु है वो हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाती है, और परीक्षा के समय जो बच्चे बोलते हैं ना कि हम भूल गए, वो भूलने की समस्या से भी निदान पाया जा सकता है। बच्चों कई बार क्या होता है कि हम अपनी कुछ योजना बनाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग फेल हो जाती है और किसी कारणवश हम उस योजना पर खरे नहीं उतरते। तो यदि ऐसा होता है किसी कारणवश यदि आपकी योजना सफल ना भी हो पाए तो भी पढ़ने के क्रम को ना तोड़ें। अगर आपने मान लीजिए कि आपने प्लान बनाया था कि आप दिन में 5 घंटे पढ़ेंगे और कोई ऐसी स्थिति आ गई कि आप नहीं पढ़ पाए, तो 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, आप 2 घंटे पढ़िए। आप 2 नहीं पढ़ सकते, 1 घंटा पढ़िए। अगर आपके पास जरा भी टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा पढ़िए, लेकिन उस क्रम को ना तोड़ें। कम पढ़ें पर पढ़ें जरूर। योजना के पुनः क्रियान्वयन का प्रयास भी करें, इससे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा एवं पढ़ने में मन भी लगा रहेगा। बच्चों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार 2 पक्षी आसमान में उड़ रहे होते हैं, तभी एक हवाई जहाज उनके ऊपर से तेजी से उड़ता हुआ चला जाता है। तो एक पक्षी दूसरे पक्षी से बोलता है कि ये कौन सा पक्षी नया आ गया जो हमसे भी तेज और हमसे ऊंचा उड़ रहा है। तो दूसरा पक्षी उसको जवाब देता है कि ये है तो हमारी ही बिरादरी का, लेकिन इसकी पूंछ में आग लगी हुई है। तो बच्चों कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि हम सभी के अंदर एक आग होनी चाहिए, यानी हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए और दूसरों को देखकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर वो कर सकता है तो हम में क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो दूसरों से हमें मोटिवेट होना है, दूसरों से हमें प्रेरणा लेनी है। अक्सर ये देखा जाता है और खासकर परीक्षा के समय में छात्रों के मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं। जैसे कई बार उन्हें लगता है कि अगर मुझे कुछ एग्जाम में जो मैंने पढ़ा है वो याद नहीं आया तो क्या होगा, अगर एग्जाम में मैं गई क्वेश्चन पेपर देखा और वहां जाके मैं सब कुछ भूल गई तो क्या होगा, अगर प्रश्न पत्र कठिन आया तो क्या होगा, अगर वो वाला प्रश्न आ गया जो मैंने किया ही नहीं तो क्या होगा। तो बच्चों एक बात मैं आपसे यहाँ विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि आप जैसा अपने बारे में सोचेंगे वैसा ही आप अपने आप को पाएंगे, इसलिए हमेशा ही अपने बारे में सकारात्मक विचार रखें और कभी भी नेगेटिव यानी नकारात्मक बातें ना सोचें। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। जब आप एक दृढ़ निश्चय करके परीक्षा कक्ष में घुसते हैं कि नहीं, जो भी मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है और जो प्रश्न पत्र आएगा मैं बहुत अच्छे से उसको हल कर लूंगा या लूंगी, तब निश्चित ही आपकी परीक्षा जो है वो बहुत अच्छी जाएगी। बच्चों अब जब परीक्षा का समय है और आप अपने दिमाग से बहुत सारा ओवरटाइम करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, तो बड़ी सरल सी ये बात है कि हमारा दिमाग जो है वो थक जाएगा और हमने जो भी पढ़ा जो भी याद किया वो हम भूल जाएंगे।
तो बच्चों यह आपको ध्यान रखना होगा कि लगातार कई घंटे तक अध्ययन ना करें। लगातार जब आप पढ़ाई करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका दिमाग जो है वो थक जाता है और वो कई सारी चीजें भूलने लग जाता है। तो इसलिए अच्छा होगा कि हर 40 से 45 मिनट के बाद या अधिक से अधिक एक घंटे के बाद एक ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ी ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा उठ के ऐसे ही टहल आइए, पानी पी लीजिए, थोड़ी बातें कर लीजिए, थोड़ा फोन देख लीजिए, जो भी चीज़ आप करना चाहें, जो आपको अच्छा लगे वो आप ब्रेक ले लें। दिमाग को रिलैक्स करें। जब आपका दिमाग रिलैक्स होगा तभी वो आगे की पढ़ाई के लिए तैयार होगा। तो इसके लिए गहरी सांसें लें, बॉडी को स्ट्रेच करें, इससे आपका दिमाग रिलैक्स होगा। साथ ही साथ दिमाग को समय समय पर आराम देने से ध्यान केंद्रित करने की जो हमारी क्षमता है, जिसको कि हम कंसंट्रेशन कहते हैं, उस क्षमता का भी विकास होता है और पढ़ाई में हमारा मन लगने लगता है और कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझ में आ जाता है। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने को हम लगातार कई घंटों तक हमको नहीं पढ़ना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमें एक छोटा छोटा सा ब्रेक लेना है, जिससे कि हम अच्छी तरीके से पढ़ सकें और जो भी हमने पढ़ा है वह विषय वस्तु पूरी तरीके से हमें याद रह सके। चलिए अब हम सत्र के अंतिम चरण की ओर हैं, भाग 3 की ओर।